अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, शाम नाय के सफ़र में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और माशाल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक है। तो आज है 25th of January और अभी बज रहे हैं 8 तकरीबन अभी बज रहे हैं। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए, मैं हूँ रेडी। और बस आज है वेडनेसडे, तो आज होता है हमारे स्कूल का वाइट ड्रेस, बट हमें कहा गया है कि ब्लैक ड्रेस पहन के आने को, बिकॉज कल 26th of January कल रिपब्लिक डे है, तो फिर कल हमें वाइट ड्रेस पहन के जाना है, तो इसलिए आज ब्लैक ही पहन के जाना है, तो इसलिए मैं आज ब्लैक पहन के ही जा रही हूँ। फ्रेंड्स तो अभी बस मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको कुछ व्यूज़ फिर से दिखाती हूँ बाहर का। मैं हर दिन आपको बाहर का फ्रेंड्स व्यू दिखा देती हूँ हमारा पेड़ से। आज फॉग था सुबह में जब मैं सो के उठी थी तब, बट जब अभी जैसे स्कूल जाने का टाइम हो चुका है तो कल फॉग था, बट आज देखिए कितना प्यारा मोमेंट है। आज धूप भी आ गया है, यहाँ से दिखेगा। आज धूप भी है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, ठंडी उंडी उतनी भी नहीं है। सुबह में जब मैं सो के उठी थी उस टाइम थोड़ी थी, क्योंकि उस टाइम फॉग वगैरह भी था। तो ओके, बस मैं आपसे मिलती हूँ स्कूल से आने के बाद। फ्रेंड्स तो अभी मैं आ गई हूँ स्कूल से। एक्चुअली क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि जैसे कि कल 26th of January है, तो स्कूल में कुछ प्रैक्टिसिंग थी वगैरह वगैरह, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया था आने में। तो बस उसके बाद मैंने आने के बाद बस फ्रेश हुई, खाना खाया और फिर आपसे बातें कर रही हूँ। तो बस अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ और बस यहाँ देखिए मेरे रूम की ये प्यारी सी फ्रीज को, मुझे ये फ्रीज बहुत प्यारा लगता है बिकॉज कि इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, और ख़ासकर ये फ्रीजिंग का जो स्टाइल होता है इसको मैं चेंज कर सकती हूँ, तो इट्स वेरी नाइस। आपके घर में कैसे किस तरह का फ्रीज है ये आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, मुझे 4 ईयर्स अगो मुझे डॉक्टर के जाना पड़ा था, बिकॉज कि मुझे पावर था, तो उन्होंने मुझे चश्मा दिया था। मैंने बोला गया था कि 6 महीना कंटिन्यू करने को, मैंने नहीं किया, तो अभी भी मुझे पावर है फ्रेंड्स। तो अब तो मैं इसे लगाती भी नहीं, कभी कभी बस दर्द होता है तो लगा लेती हूँ। ऐसे मुझे सभी बोलते हैं कि पढ़ाई के टाइम में लगाओ या वगैरह वगैरह, फिर भी मैं नहीं लगाती हूँ। तो बस कभी कभी हुआ दर्द तो लगा लिया, फिर भी ये पड़ा रहता है बेचारा। अब ये देखिए ये है रेड मैन दी, मेरे कुछ गेस्ट आए थे तो उन्होंने दिया है ये मुझे, पर ये मैं लगाऊंगी नहीं, ये तो मम्मी लगाएंगी, क्योंकि मेहंदी स्कूल में फर्स्टली अलाउड नहीं है और सेकेंडली मुझे उतना पसंद भी नहीं है लगाना, दूसरे को लगाना चलता है, अपने नहीं लगाती हूँ मैं। मतलब कि अभी दूसरे को लगाना आता है उतना अच्छा भी नहीं, बट लगा लेती हूँ सिंपली मैं। तो ये देखिए उन्होंने इतना प्यारा सा दिया गिफ्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये देखिए मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये वॉच को ये अभी आई थी जुलाई में, तो ये उसी के बस कुछ दिन बाद ये ख़राब हो गई। कितनी प्यारी वॉच थी, देखने में बहुत प्यारी है, बट ये ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे की ये इवनिंग का व्यू मेरी खिड़की से, ये पूरा व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे प्यारा लग रहा है ये वीट का जो ये प्लांट है स्मॉल, ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आम का पेड़, ये इतना अच्छा से यहाँ पे आ नहीं पा रहा है, फिर उधर लीची, और फिर वहाँ वो वाला जो आम का पेड़ है वो सेंटर के बगल वाला, वो बहुत अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स। कैसा लग रहा है ये कमेंट करिएगा। तो बस अभी मैं जा रही हूँ खेलने, तो बस खेल के आती हूँ, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय। फ्रेंड्स तो बस मैं भी आ गई हूँ खेल कर, और अभी बस हो रही है अजान और फिर अब हम जाएंगे पढ़ने। बस उर्दू की क्लासेस करके आऊँगी तब मैं आपसे मिलूँगी। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि मेरा जो कमेंट वाला जो है वो ऑफ है, तो इसलिए मैं कोई भी कमेंट करना चाहूँ तो वो नहीं हो पा रहा है, अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। तो बस मैं उसे पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, अगर वो ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर वैसे ही कंटिन्यू करूँगी मैं अपने ब्लॉग्स को। तो अगर आप लोग के पास उसका कोई भी ऐसा कि सॉल्यूशन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके मुझे पहले वाले वीडियो या शॉर्ट्स में ज़रूर बताएं।
तो बस फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ पढ़ के, और अभी कल 26 जनवरी है। तो बस उस समय मैंने स्पीच में स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, तो बस मैं उसी की अभी तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखते हैं कल क्या होता है। स्कूल से आने के बाद ज़रूर आपसे शेयर करूँगी कल क्या क्या हुआ हमारे स्कूल में। उससे पहले भी रंगोली कॉम्पिटिशन्स, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, और ऐसा कि एक हाउस ग्रुप बना हुआ है, जैसे कि वो ओनली ऑन 10 सीनियर क्लासेस का होता है, तो उसमें भी एक बार क्यूज़ हुआ था। तो उन सबका कल रिजल्ट पता चलेगा, तो देखते हैं कल क्या होता है। आपके साथ आके ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल अभी मैं पढ़ रही हूँ, और अभी बज रहे हैं शाम के 7। तो बस अभी देखते हैं क्या होता है। मैं 9 बजे तक पढ़ूंगी और फिर उसके बाद आपसे मिलूंगी। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, बस अब मेरी पढ़ाई भी हो चुकी है कंप्लीट, मैंने अपने लिए स्पीच भी तैयार कर लिया है। तो बस अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो बस आपसे मिलती हूँ मैं खाना खाने के बाद। बस अभी मैंने खा लिया खाना, और यहाँ पे चल रहा है बिग बॉस। तो अभी बिग बॉस चल रहा है, मेरी मम्मी बिग बॉस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और उनके साथ साथ जब मैं देखती हूँ तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ उसमें। तो बस मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं जानती हूँ मैं उतना शूट नहीं कर पाती हूँ, बट मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, और मुझे अभी मैं न्यू हूँ तो मुझे उतना अभी नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का, तो इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। इंशाल्लाह मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ देख के, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखूँगी, और अपना टाइम भी आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, अच्छे से निकालूंगी। तो बस मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।